संयुक्त राष्ट्र में मजबूती से खड़ा हुआ भारत, सुरक्षा परिषद में दावेदारी को लेकर बवाल, स्थायी सदस्यता से कम कुछ भी नहीं स्वीकार। दोस्तों, देश की बढ़ती ताकत के साथ दुनिया भर में दबदबा बढ़ता जा रहा है। आज देश दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ दुनिया के तमाम बड़े संगठनों का हिस्सा और बहुत बड़ी रक्षा ताकत है। आज हम दुनिया के तमाम देशों की आपदाओं के वक्त बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। रक्षा व्यापार में हम बड़े विकल्प बनते जा रहे हैं। इसी के साथ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत ने अपना अभियान तेज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर में दमदारी के साथ भारत का पक्ष विषय पर रखा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का वो जलजला है कि दुनिया भर से भारत के इस अभियान को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। दोस्तों, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? स्थायी सदस्यता से देश को क्या क्या फायदा हो सकता है? चीन और पाकिस्तान लगातार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है। प्रतिबंध लगाने या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए सुरक्षा परिषद के समर्थन की आवश्यकता होती है। स्थायी सीट भारत को वैश्विक भू राजनीति में अधिक मजबूती से अपनी बात कहने में सक्षम बनाएगी। सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता भारत को वीटो पावर प्रदान करेगी। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता बाह्य सुरक्षा खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता निश्चित तौर पर स्थायी सदस्यता की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। स्थायी सदस्यता भारत को वैश्विक राजनीति के स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस के समकक्ष लाकर खड़ा कर देगा। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि वीटो पावर क्या है? वीटो के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जिन 5 देशों के पास वीटो पावर है, उनके पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी प्रस्ताव पर रोक लगा सकते हैं। वीटो पावर वाले देश किसी प्रस्ताव के खिलाफ हैं और वो नहीं चाहते कि वो पारित हो, तो इसके माध्यम से वो अपनी नामंजूरी को सामने रख सकते हैं, वो प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकते हैं। वीटो पावर से यूएन काउंसिल के महासचिव के चयन को भी रोका जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के बीच वीटो पावर सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। भारत के लिए लगातार इस तरह की बातें होती हैं कि उसे वीटो पावर मिलनी चाहिए। जिन 5 देशों के पास ये पावर है, उनमें से 4 का मानना है कि भारत को भी ये शक्ति मिलनी चाहिए और वो स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। हालांकि चीन यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। वीटो पावर के लिए सभी 5 देशों की सहमति जरूरी है। अगर किसी देश को वीटो पावर हासिल करना है, तो उसे 5 स्थायी सदस्यों की सहमति के अलावा बाकी 10 अस्थायी देशों में से 4 और की सहमति चाहिए होगी। चीन नहीं चाहता कि भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य बने। G4 समूह में शामिल देशों के साथ भी विभिन्न मानकों पर भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जैसे मानव विकास सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक इत्यादि में भारत की रैंकिंग जर्मनी और जापान जैसे देशों से खराब है। दोस्तों, हालांकि दूसरे सारे कारण तो दिखावे के हैं, लेकिन असल बात तो यह है कि मुख्य रूप से चीन भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिल सकी है। दोस्तों, लेकिन भारत किसी भी कीमत पर अपने कदम रोकने को तैयार नहीं है। विदेश मंत्री ने पूरे कॉन्फिडेंस से यह ऐलान किया है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलकर रहेगी, आज नहीं तो कल। दोस्तों, लेकिन इसी बीच देश के अंदर इस विषय पर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, जिसे जानने के बाद देश भर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठता है कि विदेश मंत्री के किस बयान ने भारत की राजनीति में बवंडर मचा दिया है? चीन की सेना के देश के अंदर घुस आने के कांग्रेस के मनगढ़ंत आरोपों के बाद खुद गांधी परिवार कटघरे में क्यों आ गया है? देश की तमाम जमीनों सहित देश की मजबूती के तमाम अवसरों को गंवाने का क्यों लग रहा है आरोप? इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। विपक्षी दल सरकार पर लगा रहे थे बड़े आरोप, मोदी ने खोल दिया 70 सालों का कच्चा चिट्ठा, सच जानकर पूरा देश हो गया हैरान, कटघरे में कांग्रेस। दोस्तों, मोदी सरकार पर विपक्षी कांग्रेस पार्टी कई बार ये आरोप लगा चुकी है कि चीनी सेना देश की सीमा के अंदर घुस चुकी है और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। दूसरी ओर यही कांग्रेस कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करती रही है, जो कि देश की अखंडता के लिए बेहद घातक रही है, जिसे देश की मोदी सरकार ने सदा के लिए उखाड़ फेंका है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनुच्छेद 370 क्या थी? ये देश की अखंडता के लिए कैसे घातक थी? पाकिस्तान इसका समर्थन क्यों करता था? ये अनुच्छेद 370 पड़ोसी दुश्मन को कैसे मदद करती थी? इसका इतिहास क्या है?
किस मंशा के तहत इसे कश्मीर पर थोपा गया? भाजपा इसका विरोध क्यों करती रही? भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इसे हटाने का संकल्प क्यों रखा था? तो दोस्तों, विपक्षी दलों के आरोपों के बाद भाजपा डिफेंसिव होने की जगह बेहद आक्रामक हो गई है, या यूं कहें कि उसे बड़ा मुद्दा मिल गया है तो ज्यादा सही रहेगा। अब भाजपा नेता कांग्रेस पार्टी के उन तमाम जानबूझकर लिए गए निर्णयों को देश के सामने ला रही है जिनकी वजह से देश ने अपनी जमीनें खोई, देश की सुरक्षा को खतरा हुआ और दुश्मन देशों को मदद मिली। दोस्तों, धारा 370 एक ऐसा ही मुद्दा है जिसे देश 70 सालों से बेवजह ढोने को मजबूर था। दोस्तों, आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देता था। आर्टिकल 370 के प्रावधान ऐसे थे कि भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में सीमित हो जाता था, जिससे देश की सरकारें राज्य के फैसले को लेकर हमेशा बंधी रहती थी। इस आर्टिकल को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 5 महीनों की बातचीत के बाद संविधान में जोड़ा था। इसके लिए पहले साल 1951 में जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा का गठन किया गया। इसमें कुल 75 सदस्य थे। सभा को जम्मू और कश्मीर के संविधान का अलग मसौदा तैयार करने को कहा गया, जो नवंबर 1956 में पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर संविधान सभा का अस्तित्व खत्म हो गया था। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर धारा 370 की वजह से राज्य को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे? इससे पाकिस्तान को क्या मदद मिलती थी? तो दोस्तों, आर्टिकल 370 के कारण आर्टिकल 1 भारत राज्यों का एक संघ है के अलावा कोई अन्य आर्टिकल जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होता था। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था। इस कारण भारत के राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। अनुच्छेद 370 के चलते जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होता था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में आर्थिक आपातकाल नहीं लगा सकते थे। इसके कारण भारत के राष्ट्रपति के पास जरूरत पड़ने पर किसी भी बदलाव के साथ संविधान के किसी भी हिस्से को राज्य में लागू करने की ताकत थी। हालांकि इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी थी। इसमें भी कहा गया था कि भारतीय संसद के पास केवल विदेश मामलों, रक्षा और संचार के संबंध में राज्य में कानून बनाने की शक्तियां हैं। साथ ही इस आर्टिकल में इस बात की भी शक्ति थी कि इसमें कैसे संशोधन किया जा सकता है। साथ ही ये कहा गया था कि राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की सहमति से ही संशोधन कर सकते हैं। इसी को लेकर बीजेपी काफी लंबे समय से कश्मीर और भारत के राज्यों को एकजुट होने की दिशा में रोड़ा मान रही थी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि वो भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 और 35 को हटाएगी। ये प्रावधान जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिकों को सरकारी रोजगार, जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीदने और राज्य में रहने के लिए विशेषाधिकार देता था। दोस्तों, ये प्रावधान कश्मीर की लड़कियों को पाकिस्तान में विवाह को वैध और भारत के किसी दूसरे राज्य के पुरुष से विवाह को अवैध मानता था। मतलब कि अगर कश्मीर की कोई लड़की पाकिस्तान के पुरुष से विवाह कर ले तो उसकी कश्मीर की नागरिकता तो बनी रहती थी, साथ ही उससे विवाह करने वाले पाकिस्तानी पुरुष को कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। जबकि कोई स्त्री अगर भारत के किसी दूसरे राज्य के पुरुष से विवाह कर ले तो उसकी कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर जो चीज देश के लिए इतनी घातक थी, खुले तौर पर पाकिस्तान के पक्ष में थी, कश्मीर के हिंदुओं के खिलाफ थी, उसे लागू करने के पीछे नेहरू की क्या मानसिकता थी? देश के पहले प्रधानमंत्री ने ऐसा निर्णय किस वजह से लिया? देश की तमाम रियासतों को देश में विलय करवाने वाले सरदार पटेल को कश्मीर के मामले से दूर क्यों रखा गया? तो दोस्तों, इस बात का एहसास मुश्किल से ही किया जाता है कि कश्मीर समस्या की जड़ में जो कारण जिम्मेदार बने उनमें प्रमुख थे विलय पत्र में जनमत संग्रह का उल्लेख किया जाना, मामले को संयुक्त राष्ट्र ले जाना और भारतीय सेना के कदम तब रोक देना जब वो कश्मीर में घुस आए हमलावरों को खदेड़ने वाली थी। अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनने में बाधा डालने का काम किया। इससे कम ही लोग परिचित है कि किस तरह सरदार पटेल कांग्रेस कार्यसमिति के तमाम सदस्यों और साथ ही विधानसभा की अनिच्छा के बावजूद यह अनुच्छेद निर्मित हुआ और संविधान का हिस्सा बना। अनुच्छेद 370 को 1947 के आखिर में शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की ओर से लाया गया। इस समय तक शेख अब्दुल्ला को महाराजा और नेहरू की ओर से जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा चुका था। नेहरू ने कश्मीर मामले को अपने अधीन रखा और गृह मंत्री होने के बाद भी सरदार पटेल को इस मामले पर दखल का अधिकार नहीं दिया। इसीलिए जम्मू कश्मीर के मामले में जो कुछ हुआ उसके लिए नेहरू ही जिम्मेदार माने जाएंगे। ये लॉर्ड माउंटबेटन थे जिन्होंने नेहरू को इसके लिए राजी किया कि वो जम्मू कश्मीर के मसले को संयुक्त राष्ट्र ले जाएं। इसी तरह ये शेख अब्दुल्ला थे जिन्होंने स्वतंत्र कश्मीर का शासक बनने और महाराजा के प्रति नापसंदगी के चलते नेहरू को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए राजी किया। अनुच्छेद 370 का सबसे
खतरनाक प्रावधान यह था कि इसमें कोई भी संशोधन केवल जम्मू कश्मीर विधानसभा ही कर सकती है। दोस्तों, नेहरू पर बड़ा आरोप यह है कि कश्मीर पर मुस्लिम शासक की वजह से देश के मुसलमानों का एक मुस्त समर्थन उन्हें मिल रहा था और तुष्टीकरण की राजनीति और जीवन भर मुसलमानों के वोट लेने के लिए उन्होंने देश के बड़े हिस्से को बर्बादी की आग में झोंक दिया। दोस्तों, 370 का दंश तो आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार ने उखाड़ फेंका है।